नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रश्मि भगत और आप सभी का करियर बास्केट में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जाइए, रेड कलर के बटन को क्लिक करिए, बेल आइकॉन ऑन करिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जहाँ पर आपको ढेर सारी रेसिपीज देखने को मिलेंगी। तो उन ढेर सारी रेसिपीज में आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल का हलवा। बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हुआ है ये, और कलर देख रहे हैं कितना अच्छा आया है। अगर मौसम सही रहता तो और भी अच्छा आता कैमरा में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये टेस्टी मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसे कैसे बनाना है। मूंग दाल के हलवे के लिए हमें मूंग दाल को लगभग 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे तक के लिए इसे भिगो करके रख देना है। और ये हमारा हो चुका है, अब हमें इसे धो लेना है और इसमें जितना पानी है उसे अलग कर लेना है। दाल हमारा धुल के रेडी हो चुका है, अब हम इसे पीस लेंगे। अभी हम हमारा पैन हमारे चूल्हे पे चढ़ा देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे घी या बटर। मेरे पास घी नहीं है तो मैं बटर यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं तेल डालूंगी क्योंकि मैं यहाँ बटर यूज कर रही हूँ ना, नहीं तो ये जल जाएगा। अगर घी यूज कर रहे हैं तो डालने की जरूरत नहीं है। ये मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब तेल डाल दिया। वेजिटेबल ऑयल, जिसमें रिफाइंड ऑयल, जिसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। और फिर हमें हमारे बटर को मेल्ट होने देना है। अब मैं इसमें डालती हूँ 3 चम्मच के करीब सूजी और 3 चम्मच के करीब बेसन। बेसन से एकदम नटी टाइप फ्लेवर आएगा और जो हमारा सूजी है वो बहुत अच्छा टेक्सचर देगा। अभी हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरह से भून लेना है, बेसन में जो लम्स हैं वो हटा लें। सूजी और बेसन भून जाने के बाद इसमें से सौंधी सी खुशबू आने लगती है और फिर हमें इसमें डालना है हमारा पिसा हुआ मूंग। और अब हमें हमारे हलवे को धीमे आंच पर भूनना है। आराम से धीमे धीमे आंच पर भूनते रहेंगे, इसे हम चलाते रहेंगे। मूंग दाल का हलवा भुनने में ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है तो हम अभी साथ साथ में चाशनी भी बना लेंगे, सुबह सुबह बना लेंगे। तो मैंने यहाँ लिया है चीनी और पानी। सिंपल सुगर सिरप बना लेना है हमें। हमारा हलवा अभी तेल छोड़ने लगा है, थोड़ा सा इसे हम और भूनेंगे। हमारा हलवा भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ किशमिश लिए हैं, पिस्ता, काजू और बादाम। इलायची पाउडर डालेंगे इसमें, और 1/2 टीस्पून के करीब है इलायची पाउडर। और ये हो गया हमारा मिक्स। और हमें इसमें डाल देना हमारा सुगर सिरप। और ये हो गया हमारा मूंग दाल का हलवा रेडी। बहुत इजी है इसे बनाना, है ना। अब हम इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब सब जने आप अपना हलवा गर्मा गर्म। और गार्निश करें इसे बादाम की कतरन से। और बहुत ही हेल्दी भी रहता है ये हलवा, बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हुआ है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मूंग दाल का हलवा पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।